थोड़ी सी लिफ्ट करा दो। ऐसा लग रहा है ये गाना ट्रॉफी गा रहा है और हार्दिक पांड्या उसे लिफ्ट करा रहे हैं। दोस्तों, पहली बार हार्दिक को कप्तानी की जिम्मेदारी मिली, वो भी एक नई टीम की, और उन्होंने उस नई टीम को चैंपियन बना दिया। दोस्तों, इस मैच का लुत्फ उठाने गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। खिलाड़ियों का उत्साह चरम पर था। ट्रॉफी मिलते ही गुजरात टाइटंस के सभी खिलाड़ी खुशी से झूमने लगे। दोस्तों, 19वीं ओवर की पहली गेंद को जैसे ही शुभमन गिल ने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से हवा यात्रा पर भेजा, गुजरात टाइटंस IPL 15 की चैंपियन बन गई। शुभमन गिल हेलमेट उतार कर पूरी जोश के साथ उत्साह जाहिर करने लगे। दूसरे छोर पर खड़े मिलर भी दोनों हाथ उठाकर उत्साह जाहिर करने लगे। फिर मिलर उछलकर गिल के गले लिपट गए। सभी खिलाड़ी एक दूसरे से मिलकर झूमने लग गए। टाइटंस के खिलाड़ी, कोच आदि आपस में मिलकर एक दूसरे को बधाई देने लग गए। टाइटंस के प्रशंसक भी काफ़ी खुश नज़र आए। वो सभी भी एक दूसरे को बधाई देने लग गए। कप्तान हार्दिक पांड्या ने हाथ उठाकर सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद ट्रॉफी सेरेमनी की शुरुआत हुई। ट्रॉफी चैंपियन टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को दिया गया। पूरी टीम खुशी से झूम उठी। चैंपियंस टीम की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, शाम को जब टॉस के साथ मैच की शुरुआत हुई तो दोनों ही टीम उत्साहित थी। इस खिताबी भिड़ंत में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन के इस निर्णय से काफ़ी लोग सरप्राइज्ड थे। रॉयल्स के दोनों ओपनर यश जायसवाल और बटलर मैदान पर उतरे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में रॉयल्स की पारी जल्द ही लड़खड़ाने लगी। महज 79 के स्कोर पर रॉयल्स के चार बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, जिसमें टूर्नामेंट के बेस्ट प्लेयर बटलर भी शामिल थे। इन्हें हार्दिक पांड्या ने अपना शिकार बनाया। ये 39 रन बनाकर लौटे। इसके बाद पांड्या ने बिग हिटर सिमरन हेटमायर को अपनी ही गेंद पर लपक कर पवेलियन भेजा। हेटमायर सिर्फ 11 रन बनाकर मायूस होकर लौटे। हेटमायर के आउट होने पर गृह मंत्री अमित शाह भी ताली बजाते नजर आए। हार्दिक पांड्या काफ़ी खुश थे अपने तीसरे विकेट से। पांड्या ने इन दो विकेट से पहले कप्तान संजू सैमसन का भी विकेट झटका था। रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 130 रन ही बना पाई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टाइटंस की शुरुआत तो अच्छी नहीं रही। पहले दो झटके सिर्फ 23 के स्कोर पर लग गए, पर इसके बाद ओपनर शुभमन गिल एवं कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिलकर 63 रन जोड़ स्कोर को 86 पर पहुँचा दिया। ये साझेदारी अभी आगे बढ़ ही रही थी कि युजवेंद्र चहल ने कप्तान हार्दिक पांड्या को ट्रैप कर लिया। पांड्या 34 रन की महत्वपूर्ण पारी खेल लौटे। इसके बाद गिल का साथ देने टाइटंस के फिनिशर मिलर आए। इन दोनों ने मिलकर 47 रनों की साझेदारी कर टीम को चैंपियन बना दिया। कप्तान हार्दिक पांड्या इस मैच के बेहतरीन खिलाड़ी चुने गए। उन्होंने अपनी कप्तानी और दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।